गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर फिफ्थ, द ओक ट्री एंड द लाइम ट्री फ्रॉम इंग्लिश चैनल बुक. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड जीएस एंड हेरमेस लव टू डू. जीएस एंड हेरमेस को क्या पसंद था, क्या करना पसंद था. आंसर, दे लव टू ट्रैवल इन द वर्ल्ड ऑफ मैन एंड वुमेन. उन्हें क्या पसंद था, उन्हें मैन एंड वुमेन की दुनिया में ट्रैवल करना पसंद था, यात्रा करना पसंद था. क्वेश्चन नंबर टू, वट थिंग्स वर देयर इन द कॉटेज. जो कॉटेज था, कुटिया, उसमें क्या क्या वस्तुएं थी. आंसर, देयर वॉज ओनली वन बेड. वहाँ पर क्या था, सिर्फ एक बेड था, अ टेबल, एक टेबल था, एंड अ बेंच टू सिट ऑन, और बैठने के लिए एक बेंच था. क्वेश्चन नंबर थ्री, वट डिड द ओल्ड मैन ब्रिंग फ्रॉम हिज गार्डन. जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा व्यक्ति, वह अपने गार्डन से क्या लेकर आया. आंसर, द ओल्ड मैन ब्रिंग सम वेजिटेबल्स एंड लीव्स फ्रॉम हिज गार्डन. जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा व्यक्ति, वह अपने गार्डन से कुछ सब्जियां और लीव्स मीन्स पत्ते लाया था. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाई वॉज द ओल्ड मैन अनहैप्पी. जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा व्यक्ति, वह दुखी क्यों था. आंसर, द ओल्ड मैन वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही न्यू दैट देयर वॉज नो मोर मिल्क इन द जग. जो ओल्ड मैन था, वह दुखी इसलिए था क्योंकि वह जान गया था, उसे पता था कि जग में और मिल्क नहीं है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट डिड द ओल्ड कपल विश टू द गॉड्स. जो ओल्ड कपल थे, उनकी क्या विश थी भगवान से, गॉड से. आंसर, द ओल्ड कपल विश टू द गॉड्स दैट दे वुड रिमेन टुगेदर फॉर एवर एंड नेवर बी पार्टेड. जो ओल्ड कपल थे, जो बूढ़े व्यक्ति और औरत थे, मीन्स जोड़ा था, उनकी गॉड से विश थी कि वह हमेशा साथ रहेंगे और कभी भी अलग नहीं होंगे. ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज अवर चैप्टर नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर फिफ्थ. यू केयरफुली रीड एंड राइट इन योर नोटबुक. थैंक यू.